भारत बंद को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने इन बंद समर्थकों को रोकने के लिए देखिए कैसे यहां पर बल प्रयोग किया। इस दौरान पुलिसकर्मी ने एसडीएम पर भी लाठी चार्ज कर दिया। दरअसल एसडीएम श्रीकांत खांडेकर बंद समर्थकों को ही हटा रहे थे और तभी एक पुलिसकर्मी ने उन पर ही लाठी चार्ज कर दिया। देखिए ये तस्वीर आपके सामने है जब एसडीएम साहब यहाँ पर बंद समर्थकों को हटा रहे थे और उसी दौरान उन जो पुलिसकर्मी थे उनकी लाठी जो है वो एसडीएम साहब पर ही चल जाती है। तो ये तस्वीर आपके सामने है और ये वो बंद समर्थकों की गाड़ी है जो आपको सड़कों पर नजर आ रही होगी। जैसे ही लाठी चार्ज शुरू हुआ, बल्ब का प्रयोग किया क्या, वैसे ही ये बंद समर्थक यहां से तो भाग गए लेकिन उनकी गाड़ी जहां की तहां ही रह जाती है। और उसके बाद पुलिसकर्मी जो है वो यहां पर पहुंचते हैं और इसी दौरान एसडीएम साहब भी ठीक बगल में आपको सफेद रंग की शर्ट में नजर आ रहे होंगे। लेकिन पुलिस वालों का जब डंडा चल रहा था तो उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये बंद समर्थक हैं या फिर एसडीएम साहब हैं। पीछे से जैसे ही एक डंडा एसडीएम साहब को लगता है, उसके बाद उन पुलिस वालों को ये समझ में आया कि भाई एसडीएम साहब के ऊपर ही लाठी चल गई है। और उसके बाद फिर से एक बार देखिए आगे की तरफ जो खड़े समर्थक आपको दिख रहे होंगे उनके ऊपर लाठियां भाजनी शुरू कर दी गई। तो सड़क पर अफरा तफरी का माहौल भी उस दौरान और बाद में, हालांकि इस वाहन को सीज भी कर लिया गया है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लेकिन बंद समर्थकों को हटाने के दौरान ही एसडीएम साहब के ऊपर भी ये लाठी बरस जाती है। हालांकि एसडीएम साहब खुद ही यहाँ पर बंद समर्थकों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, हटाने का प्रयास कर रहे थे।